It's high time that actresses start doing that and standing on their own two feet and having an identity of their own. I've always believed in it from Khwahish days. We followed it up with Murder, then Kis Kis Ki Kismet and now Bach Ke Rehna. I enjoyed doing this role completely. It has got glamour, it's got glitz, it's got substance. Raunchiest, sexiest and the most dangerous comedy. लोगों को हंसाना असल में बहुत मुश्किल है. रुलाना आसान है लेकिन हंसाना बहुत मुश्किल है. सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट है मुझे कि ये मेरी फिल्म रेखा जी के साथ है. एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हर्स एंड दैट्स व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट. शुरू शुरू में मुझे बहुत नर्वसनेस थी टू वर्क विद रेखा जी, बट शी इज़ सो कूल. शी इज़ वेरी कूल एंड शी रियली हेल्प्ड मी. इफ आई डिड नॉट डू द सीन करेक्टली, शी वॉज़ वेरी ग्रेशियस इनफ कि वो मुझे बताएं, मुझे करेक्ट करें, मेरी गलतियाँ मेरे सामने लाएं. सो इट वॉज़ अ वेरी गुड गिव एंड टेक. जब एक यंग क्रिकेटर ज्वाइन करता है एकेडमी, उसका हीरो होता है सचिन तेंदुलकर, पर मन ही मन में उसकी इच्छा होती है कि अगर सचिन से अच्छा नहीं तो कम से कम उसका मुकाबला तो मैं जम के करूँ. मैं जब रेखा जी के साथ काम कर रही थी तो मेरे मन में भी यही इच्छा थी. आई थिंक शी इज़ द सेक्सीएस्ट वुमन, शी इज़ द ओरिजिनल डीवा, बट आई एम रीचिंग देयर. देयर वाज अ किसिंग सीन बिटवीन रेखा जी एंड परेश और हम सब बैठे थे, उन्हें बहुत शर्म आ रही थी दोनों को. सो आई वॉज लाइक, शर्म क्यों आ रही है, आई एम द किसिंग क्वीन, आई विल हेल्प यू नो. The general perception, because of the endorsement by the Time magazine and by the Cannes experience, the general perception has changed. But for me, what's really important is the common man and his love for me and his faith in me. Because at the end of the day, it's all about box office. And I want to crack the box office. Ek cheez mere Cannes ki trip ke baare mein, jo main bahut strongly feel karti hoon aur aap sab logo se aur sabke saath share karna chahungi, wo ye hai ki जब यूरोपियन और अमेरिकन मीडिया ने अपना अप्रूवल का ठप्पा मुझ पे लगाया है, तो यहाँ पे जिस तरह से लोग मुझे देखते हैं, मुझे परसीव करते हैं, सबका नज़रिया ही बदल गया है. लेकिन फॉर मी व्हाट वाज रियली इम्पॉर्टेंट वाज व्हेन द कॉमन मैन वॉकिंग ऑन द रोड बॉट माय मूवी टिकट एंड इन्वेस्टेड हिज टाइम एंड मनी इन वॉचिंग माई मूवी. दैट इज़ व्हाट मैटर्ड द मोस्ट टू मी एंड दैट इज़ व्हाट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू मी. दैट इज़ व्हाट्स मेकिंग मी सिटिंग सिट हियर.